गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। तो दोस्तों, अभी मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए हैं। मैं सोचती हूँ यार, मैं आपके साथ सब शेयर करूँ, पर मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, इतनी हड़बड़ा जाती हूँ। मतलब इतने काम देख के मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। एक तो पहले सुबह 9 बजे बच्चे जाते हैं, तो मुझे बच्चों के इतने काम होते हैं ना, इतने काम होते हैं यार। उनको उठाओ, फिर वो फिर उनको फ्रेश फ्रेश तो खुद ही हो जाते हैं, सारा नहाना होता है तो नहा लेते हैं वो, फिर भी मेरे को करना पड़ता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ उनको स्कूल से आके नहलाऊँ, मॉर्निंग में मैं हाथ मुँह धुलवाती हूँ, वो खुद धो लेते हैं। और फिर उनको नाश्ता दो, हस्बैंड को नाश्ता, और फिर लंच पैक करो, फिर उनको छोड़ने जाओ, गाड़ी में बिठाओ, फिर वापस दूध लेके आओ, फिर घर आके जो जो बर्तन हैं उनको सारे धो, फिर खुद के लिए नाश्ता बनाओ। फिर थोड़ी देर में 5-10 मिनट बैठ के नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं लग जाती हूँ सारी किचन की सफाई करने, फिर किचन की सफाई करने, फिर सारे कमरों की बेड शीट ठीक करती हूँ, बच्चों के धोने वाले कपड़े उठाती हूँ, मशीन में डालती हूँ, उसके बाद सारे कमरों की डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू पोछा करके, कपड़े धो के अब मैं फ्री हुई हूँ। और मैं इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं कैसे बात करूँ, पर अभी पानी भी आया, मैं पानी भी भर रही हूँ। चलो पानी में तो उतना नहीं तकलीफ होती, पर बाकी काम बहुत होते हैं। वैसे मैंने थोड़ी बहुत कुछ लेने की कोशिश करी मॉर्निंग में, पता नहीं यार वीडियो नहीं बनी। मैंने सोचा यार मैं भी मतलब अपने जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाऊं कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। तो जैसे मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन कर दिया था, बट वो शायद ऑन नहीं हुआ था, तो वो वीडियो नहीं बन पाई। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करूँगी बनाने की। अगर मैं फिर से चेक करूँगी कि होगी कुछ क्लिप्स, तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी बाहर हो रहा है धूप का मौसम, और अभी मैं सोच रही हूँ बाहर जाके बैठूँ। बाहर बैठने का मन कर रहा है, बाहर बैठ के खाना खाने का मन कर रहा है, पर मैं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों तो मैं किचन में आ गई हूँ, साग रख दिया मैंने गर्म करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साग बना है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सोच रही हूँ ना, आज मैं इसको चावल के साथ खाऊँ, नए तरीके से खाती हूँ। आज वैसे मैं फुलके के साथ खाती हूँ, ये मक्के की रोटी के साथ, बट आज मैं इसको खाऊंगी चावल के साथ। दोस्तों ये है मेरा साग, और ये है मेरी लस्सी। एक रोटी खाऊंगी मैं, और थोड़ी सी चावल खाऊंगी। चावल को ना मैंने साग के उसमें ही गर्म किया। तो ये है आज का मेरा लंच। तो दोस्तों मैं धूप में लेके आ गई हूँ अपना लंच, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों खाना मैंने खा लिया धूप में बैठ के, अब मुझे धूप में बहुत गर्मी लग रही थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि रील्स नहीं बनाऊँगी यार मैं आज। आज कल ना यूट्यूब मुझसे नाराज़ है। पहले मेरी रील्स में 1K 2K 3K 500,000 इतने व्यू आते थे, आजकल यूट्यूब पता नहीं क्यों गुस्सा दे नहीं रहा। पर यूट्यूब ने मेरे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दिए हैं आजकल, पर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जितना भी प्यार यूट्यूब की तरफ से मिला है ना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ये खुशी है कि यार मैंने शुरुआत यूट्यूब से की, और यूट्यूब से मुझे काफ़ी प्यार मिला है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी मतलब कई लोग इंस्टाग्राम से शुरू करते हैं, तो इंस्टाग्राम के फॉलोवर आज जाके आपके मतलब यूट्यूब में सब्सक्राइबर बन जाते हैं, बट मैंने यूट्यूब में स्टार्ट किया और मुझे बहुत प्यार मिला। और बस दोस्तों पता है क्या ना, आप बोलते हो रेमेडीज़, मैं रेमेडीज़ की वीडियो अब कम डालती हूँ, क्योंकि मतलब मैं सोचती हूँ यार एक ही चीज़ मैं बार बार शेयर क्यों करूँ। एक्सरसाइज की मैं तभी डालती हूँ जब कोई मुझे कहता है, बाकी डेली व्लॉग में मुझे अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, तो मैं सोचती हूँ मैं डेली व्लॉग डाला करूँ। अभी बस ऐसे बैठी हुई हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। दोस्तों अब चल पड़ी हूँ मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, उनकी गाड़ी आ जाती है, आजकल लेट आ रही है यार, पानी है ना वो पाइप फट गया है। यार पहले जल्दी आ जाती थी गाड़ी, आजकल लेट आ रही है, सारे काम खराब हो जाते हैं। तो ये स्कूल से आ चुके हैं अब, और यार ये इस लड़की को कोई समझाओ, मुझे बड़ा तंग करती है ये, जब देखो पेज फाड़ती रहती है। मास्क हटा दो अब,
अब ये इसका पेज फाड़ेगी और इसकी फ्रेंड ने कुछ बना के दिया वैसा बनाएगी ये। हेलो फाड़ ले, चल अब फाड़ ले, कोई बात नहीं बेटे, नहीं फाड़ना वो, जब ये खत्म हो जाएगी तब मंगवा लूंगी मैं एक्स्ट्रा। यार इनके बैग उठाए, इतने थक गई मैं। अब क्या करेगी, तेरे को बनाने आ जाएगा आराध्य की तरह? सिखा दिया उसने स्कूल में, एक बना के भी बना दे, बना के बता दिया। चलो इस ये अलमीरा कौन बंद करेगा, ये जो खुली है इसको करो, दोनों को बंद करो, इसको भी बंद करो। अच्छे बच्चे बनो, इतना गंद फैलाती है ना ये, इनको तभी मैंने ये वाला रूम दिया हुआ है कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते समझ नहीं आ जाती इनको कि रूम कैसे साफ रखना है, तब तक मैं इसी रूम में रखूंगी इनको। अब युवा की शैतानी, अब ये चॉकलेट खाएगी, क्या क्या लेगी, क्या क्या निकाल लिया तूने अलमारी में से, खाने वाली में से? ठीक है, अब कोई यहाँ पे कागज नहीं फैलाना, ठीक है? ठीक है, मैं चेंज करवाती हूँ आपका, ठीक है? यार सॉरी मुन्नू, मैं मजाक कर रही थी, आजा आजा यार, ये मेरे से गुस्सा हो गई, मैं ऐसे मजाक कर रही थी, आ जाओ मेरे बच्चा, आ जाओ रेंद्र रेंद्र, काट ले काट ले। ये इसने रखा था ना, फिर मैंने इसको इतना बोला कि बेटे ये सब क्यों कर रही है अभी, तो गुस्सा हो गई ये, आ जा। और मैं जान मुझे ऐसे करती है तो गुस्सा हो गई, आ जा मेरे बच्चा, आ जा आमे मुन्नू, आ जा। सब क्या बोलेंगे कि वह गंदी है। अच्छा ठीक है ठीक है, आजा सॉरी 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 सॉरी, मैं बोलती सॉरी 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 मैं मुन्नू, सॉरी सॉरी मैं बच्चा, आजा स्कूल से आती नहीं, लाने जाता मैं अपने बेबी को, आजा मैं बच्चा, आजा आजा सॉरी सॉरी। अच्छा लो मम्मा को क्या सजा देनी है, मम्मा को सजा दे दो जो देनी है, क्या सजा देनी मम्मा? अच्छा ला मम्मा, आज मेरे पुत्र, आजा आजा मेरा पुत्र, मेरी जान, मेरी शान, मेरे क्यूट बेबी, मेरे सबसे लाडलू बेबी, यही सबसे लाडलू बेबी, आजा आजा। क्यों रोए तू, मैंने क्या किया, मैंने किया क्या बेटे, आजा आजा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आजा आजा सॉरी 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 सॉरी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मना लेती हूँ। दोस्तों ईवा भी बाहर आ चुकी है, मैं भी एज यूजुअल अपनी चाय नीचे रखी है, मैंने चाय लेके आ गई हूँ, मैं भी आजकल मैं धूप में बैठ के चाय पी रही हूँ, और बस अब मैं बाहर बैठी रहूँगी। और मैंने अपने पिंपल्स के लिए क्रीम ऑर्डर कर दी है जिससे मेरे पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं, वो भी आ जाएगी। अपने लिए तो चीज़ें लेनी और हमारे लिए लेकर आती है। तो बेटे मैंने तो पिंपल्स है, ये पिंपल हुआ है मेरे को, तो ये फिर पिंपल बढ़ जाएंगे पूरे इधर फैल जाएंगे मुंह में, तो मेरे को लेने आना पड़ना ट्रीटमेंट है, दवाई तो लेनी पड़नी मेरे को। आप हमारी चीज़ें ही नहीं लेती हो, क्यों इतना कुछ तो लेती हूँ तुम्हारे लिए, तो आएंगे कब? इसने ना एक मीशो पे वो देखा है, यूनिकॉर्न वाला पर्स देखा है और ग्लिटर्स देखे हैं, तो मैंने उसको बोला है कि 2 महीने बाद ईवा का बर्थडे आने वाला है, ईवा दी ट्विंस बेबी हैं, इनका इकट्ठा बर्थडे आता है, तो मैं तब आपको सब कुछ गिफ्ट कर दूंगी, यूनिकॉर्न वाला पर्स भी, और फिर और क्या बोला आपने, ग्लिटर्स और क्या बोला है, अभी मैं मंगवाने को तो मंगवा दूँ, ज़्यादा महंगे नहीं है, पर ना ये क्या करेगी, ग्लिटर आएंगी एक दिन में सब ख़त्म कर देगी, एक दिन में, इसकी ये आदत है, एक दिन में सब ख़त्म करती है ये, इसको कोई भी चीज़ में लाती हूँ एक दिन में सब ख़त्म, स्केच लाऊँ ना स्केच भी एक दिन चलाती है, तो इसलिए मैंने अभी से ज़्यादा नहीं मंगवाती, पहले मैं जो ये बोलती थी वो फटाफट मंगवा लेती थी, इसकी बातों में आ जाती थी मैं, अब मैंने ईवा की बातों में आना बंद कर दिया है। बस दोस्तों मैं धूप में बैठ के धूप का आनंद भी लूंगी, आजा चाहिए बिच्छा, और चाय भी पीऊंगी, और फिर शाम, आज मेरे हस्बैंड को शादी है तो वहीं खाना खा के आएंगे,
और हम देखेंगे कुछ बच्चे साग खा लोगे आप जो सुबह खाया था? मेरे बच्चे तो यार कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा ये यार ये बड़ी सियाणी है, ये दादी अम्मा है हमारे घर की। दादी अम्मा पूरी बातें सुनती है। दादी अम्मा मान जाओ ना। चलो ठीक है दोस्तों, मैं चाय पी लेती हूँ।